हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रजत में। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का जो टॉपिक लिया है हमने वो लिया है हमने रिले सर्किट। आज हम इस वीडियो में रिले सर्किट को पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, इसका जो इंटरनल कैसे इसका सर्किट डायग्राम होता है और ये कैसे काम करता है, ये सारा इस वीडियो में आपको बताएंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है रिले सर्किट, ये 4 चैनल रिले सर्किट है। आप सब जानते ही होंगे रिले क्यों यूज किया जाता है। ये दोस्तों बहुत ही कम वोल्टेज से हैवी लोड को हम कंट्रोल करने के लिए रिले सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ पे हैवी लोड लिया है, 250 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला या ज्यादा पावर पे ऑपरेट होने वाला कोई लोड है हमारा, और उसको हम कंट्रोल करेंगे बिल्कुल स्मॉल वोल्टेज से, अप्रॉक्स 5 वोल्ट या 3 वोल्ट से एक सिग्नल देंगे जिससे ये कंट्रोल हो जाएगा। तो ये ऑटोमेशन इंडस्ट्री में बहुत ही काम आने वाली चीज होती है रिले। रिले काफी टाइप की आती है, ये 10 एम्पेयर का रिले है और 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, और ये 12 वोल्ट में भी आता है, 24 वोल्ट में भी आता है। डिफरेंट डिफरेंट मतलब जरूरतों के हिसाब से ये रिले काम करता है। आपको जितने मतलब वोल्टेज की जरूरत है या जितना लोड आप चलाना चाहते हो उस हिसाब से रिले का यूज कर सकते हो। रिले को ड्राइव करने के लिए एक पर्टिकुलर सर्किट का होना बहुत ही जरूरी होता है, वरना ये काम नहीं करता है या खराब हो जाता है जल्दी। तो वो सर्किट कैसे बनाया जाता है वो इस वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। होप आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इस सर्किट में लगा क्या है। ये तो कनेक्टर लगे हैं स्क्रू टर्मिनल वाले, ये आपको दिख रहे हैं, और इसके बाद ये 4 रिले लगे हैं। उसके बाद ये डायोड लगा है, ये आप देख पा रहे होंगे, और एक ट्रांजिस्टर लगा है NPN, और उसके साथ फोटो डायोड लगे हैं, ये कुछ LED लगे हैं और कुछ रेजिस्टर लगे हैं। साथ में ये जो हमारा पिन आउट है टर्मिनल वो दिए हैं, और इस साइड भी ये 2 टर्मिनल दिए हैं। ये 12 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई देने के लिए है, और ये वाले टर्मिनल है, ये बीच वाले जो 4 आपको दिख रहे हैं 4 टर्मिनल, ये हमारी जो सिग्नल पिन्स हैं उसके लिए है, जो हम IC से सिग्नल लेंगे या जो पुश बटन से लेंगे उसके लिए हैं। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर लिखा भी है ये ग्राउंड का काम करता है, और ये दूसरा इधर वाला जो है लास्ट वाला ये BCC मतलब 5 वोल्ट के लिए है। तो ये सारा हमारा सर्किट है। अब इस सर्किट को आप घर पे कैसे बनाओगे? अगर ये मार्केट से खरीदोगे तो ये आपको 350-400 रुपए के आसपास पड़ेगा, लेकिन अगर आप घर पे बनाओगे तो ये आपको मात्र 70-80 रुपए के अंदर आपका ये पूरा सर्किट बन जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मैंने खुद इन रिले का यूज करके एक बहुत ही अच्छा होम ऑटोमेशन सिस्टम बना रखा है, और ऐसे मैं किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ इससे। तो आप भी अगर ऐसा घर पे बनाना चाहते हो तो ये रिले का जितना भी सर्किट है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना, बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल बारीकी से आपको समझाएंगे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में, PCB कैसे डिजाइन होते हैं, और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी इस चैनल पे। तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे क्लिक जरूर करिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करिए। तो चलिए दोस्तों, आज एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं आज के टॉपिक के। तो चलिए, सबसे पहले हमने ये डायग्राम बना लिया है। अब मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि ये कंपोनेंट जो मैंने ड्रा करे हैं ये कौन कौन सा कंपोनेंट है। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आपको समझ आ जाएगा और आप अच्छे से समझ पाओगे, उसके लिए ये काफी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना ये मैंने बनाए हैं स्क्रू टर्मिनल जो इस रिले में ये है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने बनाया है ये है हमारा रिले, इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये है 5 वोल्ट और 10 एम्पेयर का, होप आपको दिख रहा होगा। ये सारे रिले इसी वोल्ट 5 वोल्ट और 10 एम्पेयर के हैं। और इसके बाद ये जो डायोड है ये मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो।
ये जो डायोड है, सॉरी दोस्तों, या एक सेपरेट स्पेस भी लिख देता हूं। देखिए जो डायोड है ना, उसकी वैल्यू है IN4007, ठीक है। और रिले जो हमने यूज करी वो है 5 वोल्ट 10 एम्पीयर, ठीक है। और सक्रिय टर्मिनल तो आपको पता है। और इसमें आगे जो हमने यूज करा है वो करा है ये ट्रांजिस्टर, ये 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर जो आपको दिख रहे हैं, जो 4 ट्रांजिस्टर हमने यूज करे हैं दोस्तों, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और इसकी वैल्यू है, मैं लिख देता हूं, ट्रांजिस्टर NPN, ये है BC547। आप इसकी जगह BC548 भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आपके पास और भी कोई NPN ट्रांजिस्टर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने ये करा है यूज। और इसके आगे हमने यूज करा है रजिस्टर, ये आपको दिख रहे हैं, ये दोस्तों 220 ओम के रजिस्टर हैं। रजिस्टर की जो वैल्यू है 220 ओम, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने रजिस्टर के बाद एक ये 78.0 IC का इस्तेमाल करा है। ये दोस्तों 78.05 एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो 12 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट में। तो एक इसका इस्तेमाल करना है, ये इसकी वैल्यू तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, 78.05 IC है ये। और उसके बाद है ये जो 4 जो आपको फोटो डायोड दिख रहे हैं, जो जिनको हम ऑप्टो कपलर भी बोलते हैं, इनका इस्तेमाल करना है। इनकी वैल्यू है फोटो डायोड, यह है PC817। ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा किसी पावर सप्लाई के सर्किट से, या मार्केट से भी इजीली मिल जाएगा। उसके बाद इसमें हमने यूज करा है ये 4 LED, ये 5 mm 5 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली LED है। इसको हमने सीरीज में कनेक्ट करना है ऑप्टो कपलर के साथ। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये ऑप्टो कपलर क्या होता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये ऑप्टो कपलर की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो अपलोड है मेरे चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा उसका। तो ऑप्टो कपलर की जो है वो डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी है। साथ में हम जो LED इसमें इस्तेमाल करेंगे यह है 5 mm 5 वोल्ट। आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप 3 वोल्ट वाली भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही कंपोनेंट हमारे लगे हैं इस सर्किट में। अब हम इस सर्किट का पूरा आपको ड्रा करके बताते हैं कि ये कनेक्शन कैसे कैसे होना है। होप आपको दिख रहा होगा सही से। सबसे पहले तो हमने ये डायोड जो हमारा है इसका जो पिन बना लेते हैं, ठीक है। आपको पता ही है ये जो सिल्वर कोटेड जगह होती है डायोड की, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर आपको डायोड के बारे में भी नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां से देख सकते हो। तो ये इसका ये डायोड है हमारा, जिस साइड सिल्वर कोटेड होता है ना वो इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, और दूसरा वाला इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अगर आप इस सिल्वर वाली साइड बैटरी का पॉजिटिव लगाते हो या सप्लाई का, तो ये यहां से करंट फ्लो होने नहीं देगा, ठीक है। अगर आप यही पॉजिटिव डायोड के इस साइड लगा देते हो तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वन डायरेक्शनल सर्किट होता है, ये वन डायरेक्शनल कंपोनेंट होता है, ये एक ही साइड से करंट फ्लो होने देता है, दूसरे से रोक देता है। तो चलिए ये हो जाने के बाद अब हम इसका सर्किट बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ये रिले के ऊपर 4 टर्मिनल होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रिले है, आप देख पा रहे होंगे इसमें 5 टर्मिनल होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। यही 5 टर्मिनल मैंने यहाँ पे ड्रा कर रखे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ड्रा कर रखे हैं मैंने। अब इनका कनेक्शन करके बताते हैं। देखिए
इन टर्मिनल को हमने कैसे कनेक्ट करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये वाला टर्मिनल है, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो सेंटर वाला है जिसको हम कॉमन बोलते हैं, ये हमने सेंटर वाले के साथ कनेक्ट कर देना है। और ये वाला इसके साथ सेम आपने चारों रिले के साथ करना है। यहां पे मैं ये वायर बना रहा हूं, आपने यहां पे वायर्स का इस्तेमाल करना है। और अगर आप पीसीबी बनाना चाहते हो इसका, तो पीसीबी की वीडियो भी मैंने बना रखी है कि आप पीसीबी आप घर पे कैसे बना सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख के घर पे पीसीबी बना सकते हो। बिल्कुल ईजी है दोस्तों पीसीबी बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस थोड़े से केमिकल और कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी और आप इजीली पीसीबी घर पे बना सकते हो। तो ये हमारा स्क्रू टर्मिनल और रिले के बीच का कनेक्शन हो चुका है, ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा। अब दोस्तों जो रिले होता है ना, ये देखिए रिले, रिले पे एक ये डॉट दिखता है आपको, ये दिख रहा है डॉट, ये डॉट, ये डॉट इस साइड भी हो सकता है या इसके अपोजिट साइड भी हो सकता है, बट जिस साइड भी ये डॉट होता है ना वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे हमने जो 5 वोल्ट की इनपुट है हमारी, यहाँ पे देनी है हमने, ठीक है, 5 वोल्ट डॉट के बिल्कुल नीचे। ये डॉट आपको यहाँ पे भी दिख सकता है और यहाँ पे भी दिख सकता है, तो ये हमने ये डॉट बना रखा है आपको दिखाने के लिए कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर वाला नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को करते हैं पॉजिटिव के साथ, सारे जितने भी चार रिले हैं चारों का जो पॉजिटिव है आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने वायर ली, यहां से हमने वायर लाई और यहां पे हमने जम्पर दे दिया, जम्पर देने के बाद यहां पे कनेक्ट कर दिया। सेम हमने यहां पे आए, यहाँ पे हमने फिर जम्पर दिया ताकि ये सेंटर वाली कनेक्ट ना हो, ठीक है। ये जो आपको कर्व दिख रही है ये जम्पर है, आप समझना कि हमने जम्पर दिया है, इसके साथ कनेक्ट नहीं है ये दूसरे वाली के साथ। तो हमने सेम यहाँ से लाया, जम्पर दिया और यहाँ से हमें, अब यहाँ पे हमें जो पॉजिटिव का 5 वोल्ट है वो कनेक्ट करना है, ठीक है। ये बाकी के हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आ सके, अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा और बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं इसलिए आपको बहुत ही बारीकी से और बिल्कुल स्लोली समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये पॉजिटिव का हमने कनेक्शन कर लिया, आपको पता है हमने पॉजिटिव टर्मिनल सारे कॉमन कर दिए। अब हमने क्या करना है, ये डायोड है ना, ये हमने इनके साथ कनेक्ट करना है। डायोड का जो पी टाइप है ना, जो एन टाइप है नेगेटिव टर्मिनल, उसको हमने रिले के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ऐसे करके। ये देख पा रहे होंगे आप, और नेगेटिव और जिसके डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को रिले का जहां पे नेगेटिव लगेगा वहां पे देना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये डायोड हमने क्यों इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों जब हम ये रिले का यूज करते हैं ना, तो रिले में कुछ मतलब जो करंट होता है, आपको पता है रिले के अंदर सिर्फ कॉपर की कॉइल होती है और वो एज ए इंडक्टर एक्ट करती है, ठीक है, वो अपने अंदर करंट को स्टोर कर लेती है। और जैसे हम यहाँ से सप्लाई बंद करते हैं वो करंट मतलब ये आपस में शॉर्ट होते हैं, आगे पीछे सर्किट इसका कनेक्ट होता है, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो इसलिए हम बीच में ये डायोड लगा देते हैं। अगर आप इसमें ये डायोड नहीं ना यूज करते तो हमारा ये पॉजिटिव कई बार ट्रांजिस्टर में जाके इसको बर्न कर देता है, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर ग्राउंड पे ही काम करेगा, इसके सेंटर में होता है एनपीएन के पॉजिटिव सिग्नल जो देना होता है, बाकी इसके दो टर्मिनल इमीटर और कलेक्टर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमने डायोड का कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे हमने ये कनेक्शन किया वैसे हमने सेम दूसरे रिले का भी करना है। अभी हमारा ये डायोड वाला कनेक्शन हो चुका है, देखिए ध्यान से देखना, आप पूरी वीडियो को देखना ताकि आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो
चलिए मैं है ना कलर ही चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या करना है, इसको हम ये 5 वोल्ट से डोनेट कर लेते हैं रेड कलर को, ठीक है। अब जो हमारी ग्राउंड है ना, इसको हम ग्रीन कलर, इसके लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं कि ग्राउंड हमारी ग्रीन है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वाला जो ग्राउंड है ना, ये देखिए दोस्तों, आगे के सर्किट में हमने क्या करना है, ये जो हमारा BC547 जो ट्रांजिस्टर है, इसका जो ये टर्मिनल है, ये हमने करना है कनेक्ट इस डायोड के टर्मिनल के साथ, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से होता हुआ ये रिले का ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। और सेम हमने बाकी वाले भी ऐसे ही कनेक्ट करने हैं, ये कर दिया हमने। तो ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है ना इसका, ये वाला, यहां पे हमने ग्राउंड सप्लाई कनेक्ट करनी है, ठीक है। और ये सेंटर वाला है, यहां पे हमने पॉजिटिव का 5 वोल्ट देना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको इतना सर्किट समझ आ चुका होगा कि यहां पे हमने ग्राउंड को हम यहां से ऐसे करके बता देते हैं, अपने मेंशन कर देते हैं कि ये हमने ग्राउंड के साथ टच कर दिया है। ठीक है, ये हमने ग्राउंड बना दी। अभी हमारे पास इतनी जगह है नहीं, अगर हम जब ग्राउंड की वायर्स को टच करते तो आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो जानी थी। आप ये समझ लो कि ये हमने ग्राउंड के साथ टच कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमारा जो पॉजिटिव है, ये जो ट्रांजिस्टर का जो सेंटर वाला है, यहाँ पे हमें इस रजिस्टर का कनेक्शन करना है, ठीक है। और इसका अब हम कनेक्शन करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव का टर्मिनल होगा, ठीक है। और सेम हमने यहाँ पे भी कर दिया, और सेम हमने यहाँ पे भी कर दिया। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पॉजिटिव जो है सेंटर में, ये हमारा सिग्नल है, जो हम सिग्नल जब हमारे आईसी से सिग्नल आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है, ये आपस में इसका जो एमिटर और कलेक्टर है वो कनेक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे सिग्नल जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल नहीं आता है तो ये एमिटर और कलेक्टर दोनों सेपरेट रहेंगे, ये ओपन सर्किट रहेगा, और यहाँ से ग्राउंड ही नहीं मिलेगा तो हमारी रिले ऑन ही नहीं होगी। तो ये काम है हमारे ट्रांजिस्टर का बीच में, और अब हमने आगे का कनेक्शन करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें पॉजिटिव चाहिए ना, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव बना लेते हैं कि ये हमारा प्लस का 5 वोल्ट है, ठीक है। यहां से हमने एक प्लस का 5 वोल्ट ले लिया, और इस 5 वोल्ट को हमने कनेक्ट कर दिया इस 4 नंबर के टर्मिनल पे ऑप्टोकोपलर के, ठीक है। और सेम हमने पहले हम ऑप्टोकोपलर के दूसरे कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, जे रजिस्टर का जो दूसरा एंड बचा है ना, उसके साथ हमने ऑप्टोकोपलर का 3 नंबर का पिन कनेक्ट करना है। सारे ऑप्टोकोपलर का वैसे ही कनेक्शन करना है, ड्राइंग इग्नोर करना दोस्तों, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, इतनी अच्छी होती तो मैं अभी आर्किटेक्चर होता। तो ये हमारा अभी कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हमें ऑप्टोकोपलर का जो 4 नंबर का टर्मिनल है, बाकी वाले ऑप्टोकोपलर का, उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो हम यहां से लेंगे एक जम्पर ऐसे करके, और इसको साथ कनेक्ट कर देंगे, और एक जम्पर हम यहां से ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम एक जम्पर और लेंगे यहां से, और ये हमारा ऑप्टोकोपलर का सारा कनेक्शन हो चुका है। होप आपको समझ आ चुका होगा, ये जो कर्व दिख रही है ये जम्पर वायर है, मतलब ये आपस में टच नहीं है ग्रीन वाले के साथ रेड वाली, ये जम्पर का काम करेगी। तो इतना हो जाने के बाद अब हमारा जो रिले का ऑप्टोकोपलर के इधर इधर वाला जो सर्किट है वो सारा खत्म हो चुका है, हमने आपको समझा दिया है, ठीक है।
तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब जो ये वाला सर्किट है उसको ड्रा करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये 5 वोल्ट जो हमारी सप्लाई है इसका कनेक्शन कर लेंगे इस वोल्टेज रेगुलेटर से 7805। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलती है 5 वोल्ट और यहाँ से आप 12 वोल्ट देते हो इस टर्मिनल से, और ये सेंटर वाला जो है ना ये कॉमन ग्राउंड होता है वोल्टेज रेगुलेटर का, ये दोनों के लिए कॉमन होता है ग्राउंड, तो इसकी टेंशन आप मत लो। अभी हमने ये 12 वोल्ट यहां से लेनी है, तो ये ग्राउंड यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट का, और अब ये पॉजिटिव है ना जो हमारा ये वाला 12 वोल्ट, ये हमने यहां से ले जाते हुए यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से 12 वोल्ट आप दोगे और यहाँ से ग्राउंड दोगे तो वो ये वोल्टेज रेगुलेटर में जाएगा और यहाँ से कन्वर्ट होगे 5 वोल्ट मिल जाएगा आपको, और ये आगे का ग्राउंड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्राउंड का टर्मिनल हमने, सॉरी दोस्तों ये रेड हो गया, यहाँ से हमने ग्राउंड का टर्मिनल लेना है और ये हमने इस वाली ग्राउंड के साथ टच कर देना है। ठीक है, होप आप समझ चुके होंगे। तो इस सर्किट में हमारा ग्राउंड भी मिल गया, ये जो ग्राउंड का जो सिंबल बनाया है ये आप समझना कि ये और ये सारे आपस में कनेक्ट है, जैसे हमने ये कनेक्ट करे ना वैसे करने हैं आपने। मैं कंफ्यूजन आपको ज्यादा ना हो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रा कर दिया, ग्राउंड का सिंबल बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अभी इधर वाला जो सर्किट है ना उसको हम किसी और कलर के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम कलर ले लेते हैं, ये ऑरेंज ले लेते हैं इसका पॉजिटिव, और ये जो ब्लू है वो ले लेंगे हम इधर का ग्राउंड। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने जो माइक्रो कंट्रोलर है उससे सिग्नल कौन सा लेना है, ग्राउंड लेना है या 5 वोल्ट लेना है, 0 लेना है या 1 लेना है। दोस्तों जो माइक्रो कंट्रोलर है आपको पता है बाइनरी डिजिट पे काम करता है 0 और 1 पे। ठीक है, तो हम इस सर्किट में आपको जो सिग्नल लेना है ना वो हम लेंगे ग्राउंड का ही, मतलब जब आप रिले ऑन करोगे आपके इन पिन पे मतलब आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, और हमारा सर्किट ऑफ रहेगा, और अगर आपने यहां से ग्राउंड सिग्नल दिया किसी भी एक सिग्नल पे तो वो वाला ऑन हो जाएगा, हमारी रिले भी उसके आगे वाली ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से आपने माइक्रो कंट्रोलर से अगर ग्राउंड लेना है तो सर्किट कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी 4 LED इन चारों रिले के लिए जो सिग्नल वायर पे कनेक्ट होगी। ठीक है, ये है देखिए, तो ये LED का ये वाला टर्मिनल आपको माइनस दिख रहा होगा, ये ग्राउंड है ये प्लस है, मतलब इधर वाले सारे प्लस है इधर वाले सारे नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने पहली LED का जो टर्मिनल है उसको हमने IN1 के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने IN2 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो तीसरी का है वो IN3 के साथ कनेक्ट कर दिया, और फोर्थ का IN4 के साथ कनेक्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, ये LED का हमने ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट, क्योंकि हम जो माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट लेंगे वो ग्राउंड सिग्नल ही लेंगे, तो हमने LED का नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी ये जो पॉजिटिव है ना इसके रह गए, इन पॉजिटिव का हमने क्या करना है, इन ऑप्टो कपलर के साथ कनेक्शन करना है। ठीक है, सबसे पहले ये गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, और ऐसे ही आपने बाकी वालों का भी कनेक्शन कर देना है। ड्राइंग इग्नोर करना मेरी, इतनी अच्छी नहीं है। तो ये हमने अभी पॉजिटिव के सारे कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों,
और ये जो ऑप्टोकॉप्लर का 2 नंबर का टर्मिनल बचा है वहां पे हमने क्या करना है दोस्तों, जबकि हम यहाँ पे अभी ग्राउंड सिग्नल लेंगे, ग्राउंड से कंट्रोल करेंगे, तो हमने दूसरी साइड जो ऑप्टोकॉप्लर का सेकंड टर्मिनल है वहां पे हमने पॉजिटिव ही देना है 5 वोल्ट का। तो हम ये 5 वोल्ट पॉजिटिव के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। यहां से हम एक जम्पर ही ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट हमारा ऑप्टोकॉप्लर का कनेक्शन भी हो चुका है अभी, तो हमने लगभग सारा कनेक्शन कर दिया है। देखिए दोस्तों, अब हमारा रहा क्या है, ये ग्राउंड और ये बीसीसी। सपोज करो हमने ये 12 वोल्ट यूज नहीं करनी है, हमने माइक्रो कंट्रोलर से ही जो हमारी वोल्टेज है वो लेनी है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज हो, तो हम इसका कनेक्शन करने वाला हमारा रहता है वो हम कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ग्राउंड होती है वो तो सबके लिए कॉमन होती है, आपको पता ही है। तो हम यहां से ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड टर्मिनल बना देते हैं, ये आ गया। हमने इस ग्राउंड को इस ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बट आपने ये जो बीसीसी 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है। अगर यहाँ पे करोगे आपका माइक्रो कंट्रोलर भी उठ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने कहाँ कनेक्ट करना है, ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है इसका जो आगे 5 वोल्ट का जो आउटपुट जा रहा है ना, वहां पे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहां से ले लिए जम्पर और इसको हमने कर दिया इस 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट। तो फाइनली हमारा जो रिले सर्किट है वो हमने बना दिया है और हमारा रिले सर्किट काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको ये देखिए, ये जो आपको 2 पिन दिख रही है ना, ये हमने ये बनाई है, ठीक है। और ये जो आपको 6 पिन दिख रही है, ये 6 पिन्स दिख रही है, वो हमने ये बनाई है। और ये आपको जो 4 LED दिख रहे हैं ना, ये हमने ये 4 LED बनाए हैं इंडिकेटर के लिए, ठीक है। उसके आगे ये जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये ऑप्टोकॉप्लर है, ये हमने ये बनाए हैं, ठीक है। उसके आगे ये छोटा सा SMD ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा, ये ट्रांजिस्टर ये है। और ये छोटे छोटे रजिस्टर दिख रहे हैं ना, ये हमने ये बनाए हैं 4। और उसके बाद ये हमको SMD ही डायोड दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा आपको, तो ये डायोड बनाया हमने। और उसके बाद आपको ये रिले दिख रही है, ये रिले है और ये टर्मिनल है। तो हमारा रिले सर्किट बस यही है, इस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं और हमारा ये रिले सर्किट बनके रेडी है। तो आपको अगर सिंगल रिले बनानी है तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही कनेक्शन करना है। देखिए दोस्तों, आपने इस पोर्शन को, हाफ पोर्शन को बनाना है सिर्फ, अगर आपने सिंगल बनाना है तो। ये देखिए, ये सिंगल रिले है, ये मैं कर देता हूं, इसका कनेक्शन करना है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ब्लू के साथ बना के दिखा देता हूँ। तो आपने सिंपल ये कनेक्शन लेना है, एक LED कर लेना कनेक्ट साथ में, ये LED और एक एक ही पिन आपने लेनी है। तो बस यही हमारा सर्किट है और इससे आपका रिले सर्किट बनके रेडी हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। तो ये देखने के बाद आपको रिले बनाने का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप इजीली बना लोगे, मात्र 10 या 12 रुपए में आपका रिले सर्किट बन जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही और डिटेल में आपको समझाते रहेंगे और सर्किट के बारे में अच्छी अच्छी नॉलेज देते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको पसंद आता ही हो हमारी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में शेयर ज़रूर करें। चलिए अब लगे हाथ में आपको समझा भी देता हूँ ये काम कैसे करेगा। देखिए दोस्तों, जैसे हमने रिले सर्किट को कनेक्ट करा, ठीक है, पावर के साथ, तो हमारा ये 5 वोल्ट है ना, सपोज करो हमने 12 वोल्ट नहीं लिया यहाँ पे, ये हम IC से ही ले रहे हैं, तो 5 वोल्ट और ग्राउंड इसको मिला तो हमारा ये सर्किट ऑन हो चुका। अभी अभी क्या होगा,
अभी हमारी ये फोर जो सिग्नल वायर है ना, सिग्नल पिन जिनको हम बोलते हैं IN1, IN2, IN3, IN4, ठीक है, इनपुट, यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज होगी अभी, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, जब तक हमने कोई भी सिग्नल नहीं दिया यहाँ पे 5 वोल्ट होगी। और ये LED आप देख पा रहे हो, इसका नेगेटिव टर्मिनल 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट है और दूसरा टर्मिनल भी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये नहीं जलेगी, ये सर्किट एक ही वोल्टेज पे नहीं चलता है। अब हमने क्या करना है, सपोज करो हमने ये फर्स्ट वाला जो रिले है उसको ऑन करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, हम यहाँ पे अपने IC से, अपने जो माइक्रो कंट्रोलर से है वहां से देंगे हम ग्राउंड, मतलब जहां से 5 वोल्टेज आ रही थी वहां पे हमने कर दी 0 वोल्टेज। अब जैसे ये 0 वोल्टेज मिलेगी तो आप देख पा रहे होंगे ये ऑप्टो कपलर का जो दूसरा टर्मिनल है ये पॉजिटिव के साथ ऑलरेडी कनेक्ट है। और ये ऑप्टो कपलर क्या होता है, ये हमारी वीडियो ऑलरेडी हमने समझा रखा है, वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप उसको, इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको देख लेना और आपको पता चल जाएगा ऑप्टो कपलर कैसे काम करता है। इसके बीच में जो IR होता है, इंफ्रारेड LED होता है, वो ब्लिंक करेगा क्योंकि यहां से उसको ग्राउंड मिल गया, यहां से पॉजिटिव ऑलरेडी कनेक्ट है और ये LED ब्लिंक करेगी, ठीक है, ब्लिंक करेगी। इसके साथ ही सीरीज में ये वाला ऑप्टो कपलर कनेक्ट है, आपको दिख रहा होगा। तो इस ऑप्टो कपलर का जो कनेक्शन है इसका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा और ये पड़ेगी फोटो डायोड पे, इसके आगे जो फोटो डायोड होता है ना इसके अंदर, दूसरी वीडियो में समझाया मैंने। जब ये फोटो डायोड पे पड़ेगी तो क्या होगा, देखिए ये भी ऑलरेडी 5 वोल्ट से कनेक्ट है एक टर्मिनल इसका, और दूसरा जो इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे डायोड, जैसे यहाँ पे लाइट पड़ी, ये वाला पॉजिटिव का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और वो 5 वोल्ट यहाँ से होते हुए, इस पिन से होते हुए इस रजिस्टर तक जाएगी। अब इस रजिस्टर से होते हुए वो BC547 जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है उसको एक्टिव कर देगी और हमारा जो मीटर और कलेक्टर के बीच में सर्किट बन जाएगा, ठीक है। सर्किट बन जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो ग्राउंड है ये ट्रांसफर होके हमारे रिले सर्किट के ग्राउंड पे मिल जाएगी और पॉजिटिव हमारी ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट है। और जैसे हमारा ये ग्राउंड मिली तो हमारा रिले ऑन हो गया। हमारा जो रिले है एक साइड इसका नॉट कनेक्टेड होता है, एक साइड इसका कनेक्टेड होता है, मतलब जब इसको पावर नहीं मिली होती है तो ये नॉट कनेक्टेड पे होता है इसकी जो वायर रिले के अंदर क्या होता है, ये भी अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होगे, जब इसको यहाँ से ग्राउंड सिग्नल मिला तो हमारी रिले एक्टिव होगी और हमारा ये लोड ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप ऑन करना चाहते हो ऑन हो जाएगा सिग्नल के थ्रू, ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने लगभग हर एक चीज की डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दी है आपको और आपको समझ भी आ चुका होगा, आपके सारे के सारे डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।